हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? हाय सभी बड़ों को दोस्तों, पहला कैसे प्रणाम, छोटों हैं? को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के न्यू व्लॉग में। तो अभी घर में बच्चों का टिफिन रेडी, बच्चे भी हो गए हैं रेडी है, देव हो गया है, चाय हो रहा है, रोटी बन गई है ये, और आज बनाई सब्जी में भिंडी की सब्जी। तो करते हैं टिफिन रेडी। अब आ गए हैं हम दुकान में, बच्चे खेलने कैरम, और मिस्टर जी भी आ गए सब्जी लेके। आज सब्जी मंडी गए थे, अब लगाते हैं सब्जी, फिर दिखाते हैं आपको कि क्या क्या लाए हैं सब्जी। मिस्टर जी कर रहे हैं अब सफाई, और फाइनली सब्जी भी सेट कर दी है। नहीं ये ताज़ी ताज़ी सब्जियां लाए हैं, ये हरी हरी मिर्च, शिमला मिर्च, लौकी, करेला, बीन्स, टमाटर, खीरा, देसी खीरा लाए हैं आज, और ये है शिमला मिर्च। कितने अच्छे से सजा दिए इन्होंने सब्जियाँ। और चल रही है अब क्या सफाई, क्यों तो जरूरी कोई भी चीज़ पसीना भी कितना आ गया है कोई भी चीज़ हाइजेनिक होनी चाहिए। तो ठीक है, मैं भी जाती हूँ घर, नाश्ता लाती हूँ आपके लिए। ओके, आप करो काम। हमारा हो गया है गाइस अब लंच टाइम, बज चुके हैं 12:30 बज गए हैं, और करने लगे हम लंच। मम्मी यहाँ पे कर रहे हैं ये, और मिस्टर जी यहाँ पर कर रहे हैं, और मैंने बनाया आज भात, और मैंने बनाई मिक्स वेजिटेबल, लौकी, आलू, शिमला मिर्च की सूखी सब्जी बनाई है आज मिक्स वेज। कैसी हुई है? बहुत अच्छी हुई है। हैं, खाया ही नहीं है, पहले ही बोले बहुत अच्छी है, ये तो खाने लग गए तब। हैं, खूब चटपट बनाई है, मिर्ची विर्ची डाल के। इनका सूखी खाते हैं भात के साथ, सूखी सब्जी भी कभी ना अच्छी लगती है, क्यों? साथ में है यहाँ पर घी, और यहाँ पर है सलाद, सलाद में है खीरा और मूली। और एक कमेंट आया था कि सोड़े सोड़ा क्या होता है, ये सोड़े से लाई हूँ मैं मूली। सोड़ा मतलब कि खेत में जो हम सब्जी बोते हैं उसे पहाड़ियों में बोलते हैं सोड़ा, समझ गए फिर? सोड़ पहाड़ी में कुनान। ओके, अब हम करते हैं लंच। तो मैं आ गई हूँ दुकान में, मिस्टर जी चले गए हैं झंकट, थोड़ा सामान लाना था बोल रहे थे तो चले गए, मुझे बिठा के गए। मैं तो बोर हो रही हूँ यहाँ पर बैठे बैठे, थोड़ी देर तो मैंने इंस्टाग्राम में रील्स बनाई, अब बोर हो रही हूँ। हाँ हेलो, अरे अब अंशु भी आ गया है चिप्स खाते हुए, मेरे साथ बैठ रहा है भी ना, मैं तो बोर हो रही हूँ। और तुम्हारे घर तो आज कार ये नीचे गिरा दिया पूरा डब्बा। यहाँ पे बैठ गया। आ तुम्हारे घर कार आई है, कौन आया है तुम्हारे घर? बाहर से आमा बुबू आ रही है। अरे चले गए फिर? घर में ही है। अरे मानू क्या कर रही है? मानू सो गई। अरे निन्नू आ गई, अभी तो यहीं आई थी, थोड़ी देर पहले मेरे साथ बैठी थी, अब निन्नू आ गई। बस वाले भी मानू आने चिल्ला रहे। हाँ बस वाले भी बच्चे, आज मैंने मानू को अपने साथ यहाँ बिठाया था दुकान में, बस वाले बच्चे खुश हो गए थे, बोल रहे थे मानू मानू बाय बाय बोलने में ही थे, खुश हो गए थे। छोटे बच्चों को देख के ऐसी होता है ना, पकड़ने जैसी लगती है सभी को ही। तभी वो ड्राइवर अंकल भी बोल रहे थे बाय बाय करके मानू से। जाने लग गया फिर वंशु घर? घर जाने लग गया? नहीं तो मैं तो अभी अकेले कैरम खेल रहा हूँ। अरे अब अकेले कैरम खेलेगा? अब वंशु खेल रहा है यहाँ पर कैरम, अकेले भी खेल लेता है कैरम। आज तो धूप भी बहुत तेज आई है, ये देखो गाइस तेज धूप आई आज। कल तक तो 2 दिन तो मौसम अच्छा हुआ था ठंडा, अब धूप आ गई है तेज की। वंशु लोग के घर आई आज कार, बाहर से आए हैं बोल रहे हैं वंशु मेहमान। ये देखिए कार, अब वंशु करने लग गया है डांस। आ तो वंशु ने बाल मिठाई भी खाई होगी फिर। हाँ वंशु? नहीं, काफल खाए। काफल खाए? अरे मेरे लिए नहीं लाया काफल? नो। क्यों? अरे वो शाम को लाऊंगा। शाम को? अच्छा ठीक। देवी आ गया है यहाँ पर और बॉल से खेल रहा है। अब हम भी बैठते हैं दुकान में, वंशु के साथ खेलते हैं कैरम। तो गाइस आज चल रहा है हमारा कैरम, वंशु और मेरा, हम दोनों का कैरम चल रहा है।
बचपन में तो मैं बहुत खेलती थी और हरा भी देती थी अपनी बहनों को। देखो आज मैं वंशु के साथ खेल रही हूँ, कह रहा हूँ और कौन जीतता है, क्या मैं वंशु को हरा पाऊंगी? हाँ वंशु, हरा दूंगी मैं तुझे। मुझे तो ऐसा लगता है। लगता है ऐसा? तो गाइस देखते हैं कौन जीतता है और देख कैरम का पूरा गेम होने के बाद मिलते हैं आपसे। गाइस अब वंशु की हो चुकी है कुर्ती। ये डूडल देखो सब सब 20 है मेरे पास, सब सब 20 कह रहा है। 20 20 वंशु की कुर्ती में कुर्ती सब सब 20 डूडल है, सब सब 20 है मेरे पास। जा रहा है गोल डूडल है, सब सब 20। नो नो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ रोड में दुकान के यहाँ पर रोड में चल रहा है क्रिकेट गेम और राज कर रहा है बॉलिंग और सागर कर रहे हैं बैटिंग। तो देखो कैसी होती है सागर की बैटिंग। वहाँ से आई राज की बॉल और यहाँ सागर ने मारा छक्का। अरे छक्का मार दिया, अच्छी नहीं आई। और ये मिस्टर जी आ गए हैं, क्या लाए ये, क्या है ये? ये है पहाड़ का काफल। अरे अच्छा, वहाँ भावना लोग के यहाँ मेहमान आए थे ना आज बाहर से, वो लाए पापा। पहाड़ का नहीं है? क्यों नहीं है? ये देखिए गाइस पहाड़ के काफल, पहाड़ में होते हैं ये काफल। ये देखिए आ जाओ गाइस काफल खाने के लिए। राज और करने लग गए हैं बॉलिंग और सागर तैयार है, अब तो बोल रहे हैं छक्का मारूंगा करके। मैं जा अब तो मार ही दिया छक्का, वो वहाँ पहुँचा दी वो घर के वहाँ पर। ये देखो गाइस कितनी दूर पहुँची है, रात जा रहे बॉल लेने के लिए। जल्दी जा ले क्या? कहाँ यही है, इतनी दूर तो मारा है, थोड़ा और आगे गेट के बाहर है। ये फील्डिंग करने वाले हैं गौरव। ये वहाँ पहुँचाई सागर ने बॉल। काफल ये पहाड़ों में लगते हैं, पहाड़ का फल है ये काफल, यहाँ नहीं होते हैं ये, पहाड़ों में होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, मीठे मीठे खट्टे। ये कितने सुंदर लग रहे हैं रेड रेड कलर में, इसमें नमक लगा के खाओ तो बहुत टेस्टी होते हैं। किस किस को पसंद है काफल, आ जाओ गाइस काफल खा लो, हम तो खाते हैं, आप लोग भी खाओ। काफल तो बहुत टेस्टी हुए हैं गाइस, हम लोग तो यहाँ कहाँ से खाते हैं, पहाड़ में ही होने वाले ठहरे, इसका पेड़ पहाड़ में ही होते ठहरे ये, और यहाँ कोई आए तो तब लाए, तब हम लोग खाने वाले ठहरे। आज भावना के वहाँ आए थे मेहमान तो वो लाए थे, तब हमें खाने को मिले, बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं काफल। तो अब मैं भी जाती हूँ घर को, आज तो टाइम 7:30 हो गया है और अभी मैंने खाना बनाना स्टार्ट भी नहीं करा है, सब्जी काट के रखी है बस। मिस्टर जी भी आते ही होंगे, अब बनाती हूँ सब्जी, फिर रोटी तो आते हैं तभी बनाती हूँ गरम गरम, तो फटाफट डालते हैं सब्जी। आज मैं सब्जी क्या की बना रही, तो डिनर की करते हैं तैयारी। ये काटे हैं मैंने टमाटर आलू और शिमला मिर्च, आज इसकी बनाते हैं। और ये मिर्च चटपटी सब्जी, और जैसा कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि हम प्याज नहीं काटते हैं क्योंकि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं हम। ये रख दी है कढ़ाई, तेल रख दिया है इसमें क्योंकि अभी ससुर जी को एक्सपायर हुए 1 साल नहीं हुआ है, तो हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तभी प्याज नहीं काटते हैं। और गाइस आपने मेरे व्लॉग में देखा भी होगा कि मैं जब बाज़ार जाती हूँ तो बाज़ार में सिर्फ समोसा ही खाती हूँ क्योंकि समोसे में लहसुन प्याज नहीं होता है, इसलिए समोसा ही खाती हूँ। कम से कम 1 साल तक हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। तो गाइस अब करते हैं सब्जी बनाने की तैयारी, आप लोगों का भी डिनर बनने लग गया होगा तो मैं भी बनाती हूँ, फिर मिस्टर जी आ जाएंगे। सब्जी भी अब बनी गई है ये, और आटा गूंथ के मैंने रख दिया है, अब मिस्टर जी आएंगे फिर बनाऊंगे गरम गरम रोटी। ये सब्जी हो गई है रेडी और बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं टीवी, देव का देखा हो रहा है टीवी। मम्मी तो वॉकिंग गए हैं अभी नहीं आए, और साहिल भी बैठा है चाची के वहाँ, तो हम भी देखते हैं टीवी। और ये रात को नहा के आ रहा है, ये क्यों नहा के आ रहा है साहिल अभी रात में? गर्मी लग रही है। कुछ रात में गर्मी लग रही तेरे को? अच्छा चल कपड़े पहन ले फिर। गाइस हम लोग का हो गया है डिनर और वॉकिंग करके भी आ गए हम, और आप लोग का भी आई होप हो ही गया होगा डिनर। तो आपको आज का ब्लॉग कैसे लगा? अच्छा लग गया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। तो इसी के साथ करती हूँ आज के ब्लॉग का एंड,
ओके गाइस, गुड नाइट, बाय, जय भारत, जय उत्तराखंड, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा सभी लोग खुश रहें, बाय, गुड नाइट।